बुमरा का फर्स्ट टीम मैं भूल गया हूँ कि जसप्रीत है मुझे लगता है शर्म कर बुमरा <laughs> अश्विन की एक बात मतलब बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है दो चीजें जो उन्होंने बहुत ही दुख रखा कि अगले जन्म मुहे बैट्समैन शेष भाई कैसे रोल हो चुका है भाई भाई सोफे की आदत नहीं ना आप दोस्तों देख ही चुके हैं कि क्या हाल है हम वो क्या होता है थर्मोकोल से भरे हुए बीन बैग से अपग्रेड हो सोफे पे आ चुके हैं और उस उसपे बैठने का शऊर अभी तक नहीं आया राजेश आ जाएगा धीरे 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 आ जाएगा बट ये अपग्रेड जो मुमकिन हुआ है, आप ही की वजह से हुआ क्योंकि कंसिस्टेंटली लोग हमें देख रहे हैं तो किसी को तो शर्म आई कि भाई एक, इनका एटलीस्ट इनको सोफा तो दो यार देख रहे हैं इतने सारे है उनको हम और अक्रॉस द बॉर्डर से मेल आए हैं बिल्कुल बाबर आजम के मुल्क से हमें मेल आए हैं भाई तो वो मेल्स पे भी हम बात करेंगे बट सबसे पहले हमारे सबसे पहले पहले हमारे सेगमेंट में न्यूज़ इस जो भी ऑस्ट्रेलिया तो ने एटीट्यूड पूरा रखा इंग्लैंड ने पहले दिन 79 ओवर खेले हाँ 79 ओवर खेल के कर दिया भाई। हाँ, कर दिया दो विकेट बचे थे कुछ ओवर्स भी बाकी थे उस दिन के कर दिया लोग उस तर्क में बोल रहे हैं कि वो शायद मैच खत्म करना चाहते थे क्योंकि हाँ। फोरकास्ट की खबरें थी वेदर तो वो खत्म करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया ठीक है वो करना चाहते थे तो अच्छी बात है लेकिन और इंग्लैंड हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ने करके देखा इंग्लैंड के ही अखबार ने हेडलाइन लगाई है बहुत बड़ी बड़ी अ किक इन द बेस बॉल्स बट ऑस्ट्रेलिया ने सच में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है मतलब पूरा क्राउड उनके अगेंस्ट था स्मिथ की उन्होंने बेजतियां की गाने चले उनके लिए पूरे गीत गाया <laughs> गया उनकी ओली रॉबिन्सन ने उस्मान ख्वाजा जैसे शरीफ क्रिकेटर को मतलब वो आदमी लगता नहीं कहीं से ऑस्ट्रेलिया का

इतनी जल्दी बैटिंग दे रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात वो तारीफ करनी चाहिए हमें कि वो अपने प्लान पे डटे रहे हाँ। सामने से जो होता रहा उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ा हाँ। पैट हाँ। कमिंस तो अभी भाई सबसे मतलब लोगों ने तो वैसे आइकॉनिक उसको कर दिया कि मोस्ट आइकॉनिक इनिंग बाई एन ऑस्ट्रेलियन कैप है यार ऊपर रख दिया पांचवे दिन अंडर प्रेशर अंडर प्रेशर चेज सारे स्टैट आपके अगेंस्ट और इंग्लैंड का अटैकिंग पूरा का पूरा और

कि अगले जन्म बैट्समैन ना की कहा कि मुझे रिग्रेट होगा हाँ हाँ कि मैं बैट्समैन नहीं बना हाँ। दूसरा उन्होंने वो बोला इतनी दुखद बात कि अब टीम में कलीग्स हैं फ्रेंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं है कोई आके ये नहीं पूछता हाँ कि और बता क्या चल की एलिटिम वो वाली चीजें दिखती है टीम के अंदर कह सकते हैं और ये सबके खेमे बने हुए दिखते हैं दिखते हैं

इस पर ज्यादा बात नहीं हो रही लेकिन इस पर बात होनी चाहिए और वैसे अश्विन की टाइमिंग का भी मैं कहना चाहूंगा कि ये दुख तब किया जब नहीं खिलाया गया hmm. अभी ये ये खिला तो इंटरव्यू नहीं देता तो टाइमिंग तो 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 अश्विन की वाला दुख नहीं होता तब सिंपैथी भी अश्विन के साथ नहीं होती ना ये मतलब अश्विन इस प्लेइंग इलेवन का पार्ट होते किसी को फर्क नहीं पड़ता तो अभी नहीं खिलाया तो मैं तो कह रहा हूँ भाई खिला लिया करो तो ये चल रही है, है भाई बहुत ज्यादा हम बढ़ते हैं लेकिन अपने अगले सेगमेंट की तरफ और विच इज ओवर कोई आ, है नहीं टॉपिक दौर खत्म होगा उसका भी चर्चा होगी क्योंकि मतलब, अभी तक अगर पॉजिटिव देखे जाए पाकिस्तान में रिजल्ट फ्लैट पिचेस न्यूजीलैंड को पेल दिया इंडिया को इंडिया को दिया हो रहे है। और इस मैच का भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट आया इसी वजह से वो बैस बॉल की वजह पहले दिन इंग्लैंड मान लो धीमे खेलती पूरा खेलती या तो फिर जो बारिश आई है बारिश की वजह से जो ओवर वेस्ट हुए वो कहीं ना कहीं वहीं से मैनेज हुआ है तो इंग्लैंड की अटैकिंग अप्रोच गेम को इंटरेस्टिंग बना रही है और बेस्ट बॉल है कि इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा बेस्ट बॉल ये नहीं है कि आईसीसी ने रूल बदल दिए हैं कि चार के रनडेड से नहीं खेल लो तो आउट हो जाओगे और वो भी नहीं है कि आ, वो है भाई? कि आप इस को हाँ। ऐसा कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया हाँ। ने नहीं खेला उसने अपनी आ, हाँ। टेस्ट जैसे वो, टेस्ट जैसे वो खेलते है वैसे ही खेला हाँ। अब उनका तरीका था अब और वही मुझे अभी मुझे लगता है अभी बहुत नया है अभी उन्होंने रिजल्ट अचीव करे हैं इसके बाद अभी इस सीरीज में पता लगेगा यार हाँ। अगर इस सीरीज के बाद नतीजे ऐसे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भाई जीत के ले जाते बट मेरे हिसाब से इसको ओवर बोलने ऐसा कुछ नहीं है नहीं, डिसीजन नहीं, नहीं। भाई वो लेके आ रहे हैं चाहे अपने फेवर में आ रहे हैं और दूसरी टीम के फेवर में आए और ये तो अभी पहला ही है जो रूट जैसा प्लेयर भाई जिसके नौ रन है जो रूट जो रूट तो मना कर सकता था ना यू मार रहा है जो रूट की तो इतनी चलती होगी ड्रेसिंग रूम में भाई दस बंदे जैसे खेलेंगे खेलेंगे जो रूट ने अपना गेम बदल लिया और इससे सबसे बड़ी एक जो मतलब अदर देन इट्स अंडर एटेड ओवर ये बहस निकल के आती है कि इंडिया ने भी विराट कोहली के टाइम पे ये चीज की थी इसको ऐसा कोई नाम नहीं बना था बट हम इंडिया में भी चार फास्ट बॉलर खिलाते थे इंडिया में भी ऐसे मैच हुए जब अश्विन जडेजा दोनों नहीं खेले हैं पर... सडनली विराट कोहली हैज गॉन खत्म हो गया वो इंटेंट ही चला गया कोई इंडिया का आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कि ये अप्रोच है, ये फ्लेवर है है फ्लेवर क्योंकि हो हो गया कि भाई वो टीम बननी बंद बन्न गई फिर तो हाँ। हाँ। इंटेंट, इंटेंट, इंटेंट और फेलियर का डर अब हम आ चुके हैं हमारे तीसरे सेगमेंट गोड पर और यहाँ पे जनरली हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं टीम बनाते हैं लिस्ट बनाते हैं अलग अलग तरीके की इस बार लेकिन हम ये करने जा रहे हैं हमारे एक फैन की रिक्वेस्ट पे हमारी ई चालू हो चुकी है आ, वो बंसल का ये ईमेल आया है और आप भी ऐसे इस तरह के ईमेल हमें भेज सकते हैं ईमेल आईडी आई डी यहां मैंशन होगी अर्नब ने क्या हमसे रिक्वेस्ट किए

आई होप फॉर्म में भी वापस आ जाए शुभमन गिल फिल ओपन वन डाउन कोई बहस नहीं कोई डिबेट नहीं विराट कोहली नंबर चार स्पॉट डू वी प्ले सूर्य कुमार यादव डू वी प्ले श्रेय सैर श्रे के एल राहुल ऋषभ पंत सूर्य कुमार यादव के एवरेज बहुत खराब है ओडियाई में हाँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो वो एक वो एक्स वो एक एक फैक्टर प्लेयर भी है मुझे लगता है एक्स फैक्टर प्लेयर हमारा ऋषभ पंत आ जाएगा फ्रिज मुझे लगता है फ्रिज के लिए ऋषभ पंत नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि चलो छे और साथ पे हम ऑलराउंडर खिलाते हैं चार पांच मिक्स चुन लेते हैं कि उनका ऑर्डर बदलता रहेगा ठीक है मेरे हिसाब से चार और पांच पे केल राहुल ऋषभ पंत छे नंबर हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या हमारा ऑप्शन नहीं है उससे बेटर नंबर अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा एक स्पिनर स्पिनर अगर हमें खिलाना है तो कुलदीप यादव कुलदीप यादव मैं कुलदीप यादव मतलब दोनों लेफ्ट हो जाएंगे बट कुलदीप यादव ने थोड़ा सा बेटर किया इंडिया के लिए यूजी चहल से कुलदीप यादव भाई जो बाबर वॉबर को उसने बोल्ड किया है वर्ल्ड कप में तो बिग मैच प्लेयर भी है जसप्रीत गुमरा मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज हाँ, कोई बहस का मुद्दा नहीं अब चार बैकअप प्लेयर मेरे श्रेय सैयान में नहीं है राहुल हाँ? क्योंकि प्लेइंग इलेवन में नहीं है हाँ? बोलिंग में मुझे लगता है एक हमारा चहल बैकअप और अक्षर पटेल मुझे बोलिंग में यूजी चहल अक्षर पटेल बैकअप फास्ट बोलर और रख लेते हैं मुझे लगता है अर्षदीप को लेकर जाना एक बैकअप फास्ट बोलर की सारे मैच सारे फास्ट बोलर नहीं खेलेंगे सो so, अर्षदीप चहल अक्षर पटेल के एल राहुल स्लैश अयर ये हमारा बैक ठीक हाँ. है ये हमारा प्ले ये है। और हमारा प्ले और संजू सैमसन की भी जगह मतलब बनेगी तो फिर किसकी जगह बनेगी के जगह बनेगी क्यों केयर की जगह बनेगी डोंट नोट पकड़ गए केल राहुल का दलाल हूं <laughs> ये दलाल है गाइस जिसके बाद में बताना इसके बन में कुछ और ये बोल नहीं पा रहा मैं खुला बोल रहा हूं हूँ केल राहुल का दलाल हूं ठीक है क्या अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ ये है भाई डेडिकेटेड टू फैन मेल्स जो हमें भर भर के मिले अक्रॉस द बॉर्डर से मिले मैं पहले उन्हें लेना चाहूंगा अब्दुल रहमान फ्रॉम पाकिस्तान हाँ, क्या लिखते हैं ये? तो वो लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ मैं आपका शो हमेशा देखता हूँ और बहुत मजा आता है उन्हें अब उनका सजेशन है प्लीज डिस्कस रिसेंट पाक वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू गेम बेस्ट टी गेम ऑफ ऑल टाइम्स वो शादी में थे तो वो लेकिन वो पल पल की खबरें ले रहे थे लेकिन उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि विराट कोहली के अलावा इस मैच को कोई जिता नहीं सकते था तो मतलब वो हमसे चाहते हैं कि हम इस पे बातें करें इस पे इनफ बातें हमने की हैं और नो डाउट वो बहुत वैसा टेस्ट वैसा टी20 गेम हमने खेला नहीं है हां तो वो अब तक का बेस्ट हम उसे कह सकते हैं और रिसेंट टाइम में मतलब हाँ वाला मतलब रीसेंट टाइम में मतलब लगता है कि बेस्ट तो 2007 फाइनली है हां लेकिन जैसे हम लास्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीते हां उसके बाद पंद्रह में खुशी भी का पल खुशी का पल पाकिस्तान को हराया था हमने बट वो बहुत इजी विक्ट्रीज थी हाँ। पंद्रह में भी उन्नीस उन्नीस में भी हम आ, में हमने बहुत इजीली हरा दिया ढेर सारे रन बनाए फिर इजीली उनको आउट कर दिया बट इतना

को निकाल के ले गया बिल्कुल तो ये हमारी इसकी याद है स्वरूप डोगर का भी एक मैसेज है ये भी पाकिस्तान से है और इन्होंने लिखा है आ...

जो भी हमने इंडियन टीम की इलेवन बनाई है इसी वीडियो में उसमें अगर आपको कुछ इंडियन प्लेयर्स को बाहर करके कुछ नंबर चार पे बाबर आजम को ले सकता हूँ बाबर आजम चार पे, भाई वो पावर प्ले में ठीक है वैसे वनडे में तो खैर नीचे खेल में नीचे खेलना चाहिए पाकिस्तान का दलाल <laughs> ये देखो बाबर आजम को ले रहा है वो भी हमारे के एल राहुल शेर मैंने उनके पास अच्छा मोहम्मद नवाज है नवाज तू मेरा मैच विनर है <laughs> वो ऑलराउंडर है शाइन भी कर लेता है ठीक ठाक बैटिंग भाटिंग भाटिंग हाँ। कर लेता है 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 बट एज सच बैटिंग बैटिंग नहीं करता है। पी में करता में काफी जब बॉलर खिलाना होगा शाइन को भी हम खिलाएंगे और यार बोलर तो आंख बंद करके आरिश और नसीम तो तीनों ही तगड़े फास्ट बॉलर हैं ये तीनों दे वॉक इन टू एनी इलेवन इन द वर्ल्ड तो वो तीनों इक्वली ब्रिलियंट है जो अच्छा इंजरी उनकी भी हो जाती है वो भी टखने पकड़ लेते हैं वो भी कर लेते हैं जो भी फिट है तो वो फास्ट बॉलर खेल जाए स्पिनर मुझे लगता है थोड़े से हमारे बेटर हाँ तो तो हम हम है रहा भाई। हाँ, और इमाद वसीम को हार्दिक पांड्या की जगह क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इंजरी बड़ा जानना पड़ेगा तो इमाद वसीम को एक हम खिला सकते हैं ठीक है बॉलर बाबर और इमाद वसीम एंड रिजवान एज चीफ प्रार्थना भी हमें ढेर सारे फैन जो आए तो उनको हम पढ़ देते हैं छोटा छोटा कमलेश मोहंती का मैसेज आया एक फिर एसिड एस टू एसओ फोर होगा पॉसिबल सॉल्यूशन टीम इंडिया, कि तो तो acid, <laughs> इंडिया के पी लो सब दो, -दो चम्मच <laughs> एक और टूर्नामेंट परमानेंट प्लेइंग इलेवन रीबिल्ड योर फैन बेस अराउंड इसको कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं लोगों को ही करना होगा रुद्राक्ष शर्मा ने एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया है जो हमने रिक्वेस्ट भी थी की थी कि लोग अपना अपना बताएं तो उन्होंने बताया कि 2013 हजार तेरह चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था रात के एक दो बजे थे और मैं पूरी फैमिली मैच देख रही थी सेकंड इनिंग्स में जब बोपारा रन रवि बोपारा भाई लेजेंड प्लेयर है वो भी समित पटेल रवि बोपारा ये कितना रवि सोलंकी विक्रम सोलंकी तो एक तो सेकेंड इनिंग्स में जब बोपारा रन मार रहा था तब पापा बोले जा रहे थे कि उनके पैर दबा दू बट मैं उनको टाले जा रहा था जैसे ही इन्होंने गुस्से में बोला मैंने पैर दबाने चालू किया ईशांत शर्मा ने मॉर्गन का विकेट गिरा दिया फिर नेक्स्ट बॉल पे बोपारा का विकेट गिर गया उसके बाद मैंने पापा को पूरे मैच पैर दबाए ताकि इंडिया जीत जाए वहां देखिए बड़ों की अगर आप इज्जत करते हैं बड़ों का आप सम्मान करते वो जो आशीर्वाद मिलता है मैदान तक जाता है धोनी को क्रेडिट ना दे रुद्राग शर्मा का क्रेडिट बनता है इन्होंने जो मिस्टर शर्मा के पैर दबाए हैं वो आप देखें कितना बढ़िया मतलब कोई टैक्टिकल मूव कुछ नहीं काम किया क्योंकि मैंने पापा के पैर दबाए इसलिए रिजल्ट हमारे फेवर में आया तो फिर बताया उसके बाद इतने साल मेरे पापा ने मुझसे पैर दबवाए हर मैच में जो भी हम लोग साथ में देखते थे ताकि इंडिया मैच जीत जाए यहाँ पे मैं पापा को कहा थोड़े से करप्ट हो गए वो <laughs> कि भाई एक बार चलो ठीक है आपके पैर दबा के बच्चा टीम इंडिया मैच जीत गई लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ ना एक आयुष कुमार का बताना चाहता हूँ उन्होंने कहा मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ एनसीजी में दो में जो विराट कोहली ने इनिंग खेली थी यही अभी तेईस अक्टूबर वाली एल्डर सिस्टर के साथ वो एल्डर सिस्टर के साथ देख रहे थे और उनका था की उनकी बहन विकेट गिर रही थी और बोले थी टी वन कर टीम कर लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया बार बोर के बाद उन्होंने है कि मैं एक टाइम पर बैठा रहा और गायत्री मंत्र पढ़ता रहा और उसके बाद टीम जीत गई तो कह रहा मैं भी रोया मेरी सिस्टर भी रोई तो ये ये इंटरेस्टिंग है कि लोग कैसे अपने हमें बता रहे हैं क्रिकेट खेलने के भी बता सकते हैं मैच देखने के हाउ यू फेल इन लव द गेम वट एवर ये फैन मेल्स अब आप हमारे साथ भेजते रहे हैं। पूरा का पूरा सेगमेंट हम करेंगे और फेस ऑफ जो आपका फेवरेट सेगमेंट है इस बार हमने नहीं किया क्योंकि यार कोई टॉपिक नहीं, नहीं आया तो हम चाहते हैं उसके टॉपिक्स भी आप हमें सजेस्ट करें बिल्कुल फैन ई मेल आई डी पे है यहाँ पे आप लिख के भेजें हमें और आपके ई भी शामिल किए जाएंगे आपके टॉपिक्स पे पूरे पूरे सेगमेंट हमने किए हैं तो हम आगे भी करना जारी रखेंगे और सारे इंडियन प्लेयर्स फिट रहे इसी की प्रार्थना के साथ विदा, लेते हैं।, विदा लेते हैं आज के एपिसोड से एंड पीनट बटर जो हमारे साथ पहले एपिसोड से मौजूद है माई फिटनेस का राजेश भाई हर एपिसोड में चक्के भी दिखा चुके हैं वो परंपरा आप जारी रखें राजेश भाई क्रंची वाला तो मैंने चखा था शायद नहीं, नहीं 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 क्रंची वाला नहीं क्रंची वाला आपने बोला था आपके घर पे है मैं चखता हूँ घर पे बिल्कुल यहाँ आप चक्के दिखाएं ये देखिए तो जैसे ये उंगली से चाट के चटकारा लिया है आप उंगली से से चम्मच जैसे मर्जी तो अच्छा हाँ, हाँ। बचा पा रहा है मुझे लगता है शरम शरम कर कर <laughs> कहीं कोई आदमी चलता फिरता उठता बैठता दिख जाए शर्म कर बुंगा तो वो जल्दी से फिट हो जाए बाकी इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं लाइक सब्सक्राइब साइन मेल्स भेजते रहें सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग ऑफ